जय हिंद। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल। एंड इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पार्ट नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पार्ट वन नंबर वन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड। एंड द फर्स्ट थिंग वॉट वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट एंड सेकेंड जस्ट यू कैन वॉच इन द प्ले लिस्ट। एंड वन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर यू दैट वेन यू वॉचिंग दिस वीडियो it's a request for you guys, because it's very very important. Links are given in the description and comment box also, so must visit comment box and descriptions for different type of link. Okay, so finally just we are in the third video, and friend, let's begin with the topic. Because and one more thing here, just one thing now, I have just only told you that what we have discussed in the previous classes. So first of all, we have discussed about the Constituent Assembly in the first video, and enactment of constitution like this, and the drafting committee etc. Okay, these are members, 7 member. इसे एक बार revise कर लेते हैं, कौन कौन थे 7 member. तो the members of drafting committee were the B.R. Ambedkar, which was the chairman, N. Gopala Swami Iyengar, K. M. Munshi, T.T. Krishnamachari, Sayyed Muhammad Sadullah, N. Madhav Krishna Rao, and Adlaudi Krishnaswamy Iyer. So friend, these are the 7 members of drafting committee. Just remember, because this question generally ask in examinations. Okay, and third thing and other things that we have discussed about functions, enactment of constitution, drafting, these things, and about preamble also, and some important lines, important facts. Just visit those videos also. Okay, and in this video today we are going to discuss about the provisions of Indian Constitution and their sources. ठीक है, some important sources we will see here. And friend, first of all we are going to see things which were borrowed from the Constitution of USA. Okay, USA के संविधान से जो जो चीज़ें हमारे देश में लाया गया है ना, उसे हम लोग अभी देखने वाले हैं friend. तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि all these are very very important for UPSC CDS. ठीक है, और यू कैन से नॉट ओनली CDS बट ऑल्सो फॉर SSC, है ना, अदर स्टेट PCS एग्जामिनेशन. बिकॉज थिंग्स विच आई मतलब थिंग्स विच आई ब्रिंग हेयर इन दिस प्लेटफॉर्म वेरी वेरी सिलेक्टेड थिंग, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. सो नेवर एवर मिस एनी पॉइंट. ठीक है, डोंट ट्राई टू मिस एनी थिंग. ओके, तो एंड UPSC CSE ऑल्सो, बिकॉज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, है ना. ओके, तो लेट्स बिगन विद द टॉपिक. द फर्स्ट थिंग हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थिंग्स अबाउट USA, ना, दैट मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच वर बॉरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. लेट्स सी. सो द फर्स्ट थिंग दैट बॉरोड फ्रॉम द USA, दैट इज़ द प्रीएम्बल. एंड प्रीएम्बल के बारे में ना हमने डीपली डिस्कस किया है उस वीडियोज में. ठीक है, आई थिंक सेकेंड वाले पार्ट में, ये पार्ट नंबर थर्ड है, आपको बार बार बता रहा हूँ. सो जस्ट सी दोज पार्ट ऑल्सो नाउ. तो प्रीएम्बल विच इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, प्रेसिडेंट एज ए एग्जीक्यूटिव हेड एंड प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस. ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है. यानी ऑल दिस थ्री, प्रीएम्बल, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड एंड द प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, दिस थ्री, जैसे कि नहीं पी से स्टार्ट हो रहा है, तीनों कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है. कौन कौन? पी से, प्रीएम्बल स्टार्ट फ्रॉम पी, प्रेसिडेंट एज अ एग्जीक्यूटिव हेड एंड प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ वट आवर आर्म फोर्सेस. ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? USA से. ये तीन तो USA का हो गया. नाउ वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट. ठीक है, ये भी लिया गया है USA से. वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट मीन्स राज्यसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा. एंड राज्यसभा का जो है ना चेयरमैन, वो कौन है? तो वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट. कौन है? वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. इट्स मीन, व्हाट यू मीन बाय द वर्ड एक्स ऑफिशियो? तो फ्रेंड्स, एक्स ऑफिशियो मीन्स ना, इफ एनी पर्सन बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन दैट पर्सन विल बिकम ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, चेयरमैन ऑफ वेयर, काउंसिल ऑफ स्टेट. सो दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ
what? Council of a state. And one more interesting thing about vice president, friend, that if you think that vice president adopt for two post, hai na, vice president, VP, vice president is for two post. Which post? First thing, as a chairman, chairperson of, hai na, chairperson of Rajya Sabha, yani ki council of a state, see, understand, council of state. And one more thing, that vice president, है ना, vice president of India. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये दो पोस्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या ये दो पोस्ट के लिए इनको डबल सैलरी मिलती होगी क्या? तो नेवर, नेवर एवर, ठीक है. द वाइस प्रेसिडेंट इज मीन्स फ्रेंड, वाइस प्रेसिडेंट इज फॉर टू पोस्ट. विच वन? वन फॉर एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वन एज अ चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना. बट ही गेट सैलरी एज वॉट, ये आपको कमेंट में करना है. ही गेट सैलरी एज वॉट, क्योंकि थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएंगे ना तब जल्दी काम बनेगी. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो है कि वाइस प्रेसिडेंट, हमने तो बता दिया, क्लू आपको बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या बन जाते हैं? चेयरमैन बन जाते हैं. राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. लेकिन ये चीज़ आपको फाइंड करके बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट गेट सैलरी एज वॉट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट और एज अ चेयरपर्सन, है ना, चेयरमैन, किसके रूप में सैलरी मिलता है इन्हें, ये आपको सर्च करके कमेंट करना है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट पोस्ट विच वेर फ्रॉम बोरोड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. फ्रेंड यहाँ पर जो है ना, अभी मैंने क्या क्या बात की है अभी रिवाइज करूंगा यूएसए कंप्लीट हो जाने के बाद. टोटल 11 है यूएसए से लिया गया, वो कंप्लीट हो जाने के बाद बात करेंगे कि यूएसए से कौन कौन रिविजन के रूप में. ओके, सो द थिंग्स यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए, अब इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी यूएसए, जुडिशियल रिव्यू यूएसए. ओके, मीन्स फ्रेंड यहाँ पर जो था ना, दो जो है, दो जुडिशियरी से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, दीज टू आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. ओके, नाउ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल की बात कर रहा है, इट्स बोरोड फ्रॉम यूएसए. कंसेप्ट ऑफ, हाँ ठीक है, इज बोरोड फ्रॉम यूएसए. नाउ कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस बोरोड फ्रॉम यूएसए. एंड कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इज ऑल्सो बोरोड फ्रॉम यूएसए. तो यूएसए का जो भी था ना, वी हैव कम्प्लीटेड. तो नाउ लेट्स गो फॉर रिविजन, बट बिफोर दैट जस्ट लिसन वन थिंग, वट इज PIL, वट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए. ओके, सो फ्रेंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज जो है ना, ये आप जैसे कहीं पर कोई इन सोसाइटी, इफ़ यू वॉच एनी थिंग दैट इज नॉट कंसर्न विथ यू, मीन्स फ्रेंड कोई एनी चीज, कोई ऐसा चीज़ है ना जो कि समाज में गलत है और जो आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए केस करना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ है ना, ये समाज में बिल्कुल गलत है और इसके लिए मैं PIL दर्ज करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, PIL कोई भी कर सकता है, बस उसके लिए कुछ योग्यता, पढ़े लिखे होना चाहिए, ठीक है, PIL कर सकते हैं, एक बार इसे सर्च कर लेगा PIL के बारे में, है ना, और डीप जानने के लिए. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, अभी हम यूएसए वाले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. तो फ्रेंड थिंग्स विच वेयर बोरोड फ्रॉम यूएसए, जस्ट रैपिड रिवीजन, फास्ट, ठीक है, फास्ट रिवीजन. लिशन प्रियम्बल, आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है, साथ साथ बोलना है आपको भी. प्रियम्बल बोलिए, प्रियम्बल. ओके, प्रियम्बल यूएसए, प्रियम्बल यूएसए, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड एंड प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. बोलिए, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है. ये तीन कहाँ से लिया गया? पी शब्द से तीन लिया गया है, यूएसए से, ठीक है, यूएसए से. पी मतलब प्रियम्बल, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, दीज ऑल थ्री टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. नाउ वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यूएसए. फंडामेंटल राइट, यूएसए. इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, यूएसए. जुडिशियल रिव्यू, यूएसए, ठीक है. रिवाइज करिए, फंडामेंटल राइट यूएसए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए, जुडिशियल रिव्यू यूएसए, ठीक है. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये दोनों कोर्ट का जो जज है ना, उनको रिमूव जब करना हो तो उन्हें कहाँ से लिया गया है? दीज पीपल ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. ओके, मतलब पोस्ट जो है इनका रिमूव करने का प्रोसीजर यूएसए से लिया गया है. नाउ कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तीनों जो कंसेप्ट है ना, वो कहाँ से लाया गया है? यूएसए से ही लाया गया है. होप फ्रेंड्स
the sources which were taken from the Constitution of USA completed. Okay, and you definitely understood this one. Now, coming to the next, means which other countries which were borrowed, means the things borrowed from the other countries' constitution. Now, so we come concept of public interest litigation, PIL. I'll talk about this, that USA and PIL ke bare mein ek other videos bhi banaunga. Just wait and hold tuned with us for that video. Okay, now fundamental duties from Japan and USSR. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का आ रहा है. फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है. फंडामेंटल ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान एंड यूएसएसआर. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी. नाउ कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का कंसेप्ट कहाँ से लिएगा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक टेकन फ्रॉम. ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंच. है ना, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से जो है रिपब्लिक एंड गणराज्य का जो है यहाँ पर कंसेप्ट को लिया गया है. नाउ फ्रेंड, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम यूके. अब देखिए, अब आ रहा है पूरे यूके का आ रहा है. अभी जो है मैं एक फ्रेम में कर लेता हूँ यूके का ओनली. ठीक है, ओके, सो लेट्स, हाँ ठीक है जी. सो फ्रेंड, अभी जो भी है यूके की बात करने वाले हैं. कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम, यूके. ओके, सो द फर्स्ट थिंग, रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम. एंड कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, PEBL. कहाँ से लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया यूके से. इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके, इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके. जस्ट रिवाइज विथ मी गाइज एंड रिपीट विथ मी. ओके, रूल ऑफ लॉ यूके, रूल ऑफ लॉ यूके, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके, एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ PEBL यूके, एंड कंसेप्ट ऑफ कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जो होता है ना, कैग, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फुल फॉर्म है. कैग का भी कहाँ से लाया गया कंसेप्ट, तो ये लाया गया यूके से लाया गया फ्रेंड. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ रीट्स, रीट जो होता है ना, रीट क्या होता है भी तुरंत बताने वाला हूँ आपको. द फ्रेंड द कंसेप्ट ऑफ रीट इज ऑल्सो बॉरोड फ्रॉम और टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके एंड द लॉ मेकिंग प्रोसेजर इज फ्रॉम यूके. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो है, एंड सिंगल सिटीजनशिप जो है ना, ये भी यूके से लिया गया है. एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द यूके. ठीक है, अब जस्ट लिसन अबाउट वॉट इज रीट्स, what is reads and how it works. It's very very complicated chapter, but not complicated, it's very very easy you can say, because when you understand complicated chapter na, it become very very easy for you to deal with that chapter. theek hai, to read kya hai use samajhiye friend. the provisions of read are given in the part number 3 of the constitution, which is fundamental right, hai na, FR, fundamental right mein jo hai read ka provisions ko diya gaya hai. and according to article 32, which article, under article 32 रीट इज गिवन. ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा. ठीक है, जस्ट इरेज दिस एंड नाउ लिसन फ्रेंड. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पार्ट नंबर 3 इज डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट. ओके, एंड आर्टिकल 32 इम्पावर्स द आवर, यू कैन से इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 इम्पावर्स द कोर्ट टू गिव वॉट, टू गिव रीट्स, है ना, टू इशू रीट्स. What it is and how it is work, just understand. ये है under article 32. ठीक है, तो part 3 fundamental right FR, and it is discuss about under article 32, it's discuss about writ and issuing of writ. Who can issue writ and in what ways writ can be issued, ये चीज अभी समझिए. तो यहाँ पर जो है फ्रेंड, द कंसेप्ट ऑफ रीट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, बट हाउ इट वर्क्स लिसन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कैन इशू रीट, इफ वी टॉक अबाउट द इशूअर ऑफ रीट, हु कैन इशू रीट. ओके, तो इशू कैन बी, मतलब सॉरी, रीट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है, अब यू नो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड. मीन्स यहाँ पर अगर अभी आपसे, इफ़ आई टॉक यू और आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट विच इज सुपीरियर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देन यू विल डेफिनेटली टेल सर सुप्रीम कोर्ट. ओके, एंड इट इन रियलिटी सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर देन हाई कोर्ट. बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन वेयर सुप्रीम कोर्ट इज
सुप्रीम कोर्ट इज इनफेरियर देन हाई कोर्ट. ठीक है, इट्स मीन फ्रेंड इन व्हाट इज द थिंग वेयर सुप्रीम कोर्ट हैव लेस पावर देन हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज मोर पावर देन सुप्रीम कोर्ट. यू नो हियर दैट इज द इशूइंग ऑफ रीट. बिकॉज फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इशू रीट्स. ठीक है, एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू रीट. ओके, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रीट अंडर आर्टिकल 226. ओके, बट इन हाउ आई डेयर टू टेल दिस थिंग दैट हाई कोर्ट इज सुपीरियर दैन सुप्रीम कोर्ट. तो द एंसर फ्रेंड इन द इशूइंग ऑफ रीट, बिकॉज रीट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. बट इन हाई कोर्ट रीट कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर थिंग्स. ओके, सो हियर यहाँ पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट को मिला गया है रीट को इशू करने के प्रोविजंस में. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा. कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है या हाई कोर्ट, तो आप सिंपली कहेंगे सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, बट अगर कोई ये पूछ देगा कि कोई ऐसा एक कारण बताओ जिस कारण में सुप्रीम कोर्ट जो है ना हाई कोर्ट से कम पावर है, तब आप क्या बताएंगे? तो सर जब रीट को इशू करना होता है ना वहाँ पर हाई कोर्ट का ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट का कम पावर है. ये आपको ध्यान रखना है रीट इशू जब करना होता है तब. ठीक है, बाकी रीट का 5 प्रकार होते हैं, देर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट. ठीक है ना, ऑब्वियस कर्पस, कोवारंटो, यही सब है, 5 तरह के रीट होते हैं. ठीक है, मैंडामस, ये सब है. नाउ फ्रेंड यहाँ पर जो है ये तो समझ गए, आप रीट तो समझ गए, हाई कोर्ट इशू करता है इसे आर्टिकल 226 के तहत, हाई कोर्ट इशू करता है एंड सुप्रीम कोर्ट इशू करता है इसे आर्टिकल 32 के तहत. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट. ओके, और रीट का 5 प्रकार होता है, ये भी आपको बता दिया गया है ना, 5 टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन इंडिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग, लॉ मेकिंग प्रोसीजर ऑल्सो फ्रॉम यूके, सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम यूके एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज एंड वन मोर थिंग फ्रेंड, यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, आई थिंक ना मैंने आपको 5 प्रकार नहीं बताया ना रीट वाला, 5 प्रकार शायद नहीं बताया, मेरे को ध्यान में नहीं है, आई थिंक बताया नहीं, आई नॉट कन्फर्म. ओके, सो लेट्स सी इट इज. यहाँ पर जो है ना एक इसका ट्रिक होता है, उसको समझ लीजिए. ट्रिक क्या होता है? तो ट्रिक होता है इसका, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार. ठीक है, सो दिस इज ट्रिक फ्रेंड, अधिकार. बट फ्रेंड हाउ इट वर्क सॉल्यूशन, तो ये इसमें जो है ना 5 है, कौन कौन है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, मतलब 1, 2, 3, 4 और 1, 5. तो ये जो है ना ये 5 तरह का रीट होता है. अब कौन कौन है? बंदी का मतलब है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण. ठीक है, मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बंदी बनाया है, फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति को कोई जेल में ले गया, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या करना होता है? कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना, मतलब उसको वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है. ठीक है, तो बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से आप मान लीजिए प्रतिषेध. ठीक है, प्रतिषेध. ओके, एंड परमेश्वर से परमादेश, अधिकार से क्या होता है फ्रेंड? अधिकार परीक्षा एंड उसका से उत्प्रेषण. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा. तो फ्रेंड यहाँ 5 तरह के मैंने आपको बताया, क्या बताया? 5 तरह का, देर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट्स एंड दीज रीट्स आर कौन कौन. तो पहला था यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण. ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण. दूसरा क्या था? प्रतिषेध था, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये हो गया. दूसरा था प्रतिषेध, और तीसरा क्या था? तीसरा था परमादेश. चौथा क्या था फ्रेंड? चौथा था यहाँ पर उत्प्रेषण. जस्ट वेट फ्रेंड, यहाँ पर पांचवा जो है ना उत्प्रेषण था. ठीक है, और जो लास्ट है वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भी लिख देता हूँ मैं, है ना,
करण, ठीक है फ्रेंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण और एक था अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है परीक्षा, ओके। तो ये जो पांच तरह का रीट है ना, ये पांच तरह का रीट जो है कौन कौन इशू कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल कितना, या आप बताइए कमेंट करके बताइए जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट अंडर आर्टिकल व्हाट, तो आर्टिकल आप कमेंट कर दीजिएगा, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। एंड ये हाई कोर्ट कितने के तहत इशू कर सकता है ये भी आप बताइएगा, बट मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, ये आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इशू करता है। नाउ अब ये जो है ना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में, जैसे कि अब यहाँ पर समझिए आखिर कैसे अपना राइट्स को यूज किया जाता है, वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, दैट विल वर्क फॉर यू गाइस, ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशन, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दैट मीन्स द पॉलिटी सेक्शन इज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इट्स वेरी वेरी स्टैटिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून को जानना आपका अधिकार है एक तरह से, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो बस पिसाइए, ओके, इसीलिए अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी ए स्ट्रांग देन फर्स्ट ऑफ ऑल नो द रूल्स, ओके, नो द रूल्स। नाउ तो यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सपोज करिए किसी को पुलिस पकड़ के ले गया, ठीक है, अब उस पकड़ के ले जाने के बाद जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे कोर्ट में प्रोड्यूस मतलब वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, एक्चुअली उसमें 24 घंटा में जो है ना आने जाने का टाइम को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अगर प्रोड्यूस नहीं किया सॉरी प्रेजेंट नहीं किया कोर्ट में, तब क्या करेंगे, तब जा करके आपके कोई रिलेटिव्स होंगे वो क्या करेंगे ना वहाँ पर कोर्ट जाएंगे, है ना, हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, हाई कोर्ट जा करके वहाँ से एक वो वहाँ से रिलीज करवाएंगे, है ना, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण करने के लिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इशू करेगा, एक नोटिस इशू करेगा उस थाने के ऊपर जो थाना पकड़ करके रखा है जिस थाने में, ठीक है, तो ये थाने वाले तुरंत वहाँ पर क्या करेंगे, कोर्ट में इनको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर। अगला देखिए प्रतिशोध, प्रतिशोध है, परमादेश है और उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना फ्रेंड परमादेश को समझिए और उत्प्रेषण को समझिए, सपोज दैट दो जो है ना ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है कोर्ट के ऊपर लागू होता है, ये दोनों आदमी के ऊपर नहीं लागू होता है, ये दोनों कोर्ट के ऊपर लागू होता है, ठीक है, कैसे, सपोज दैट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ पर आपका सुनवाई हो गया, सुनवाई हो जाने के बाद जो है ना आप उस सुनवाई से संतुष्ट नहीं हैं, या आप सपोज दैट आप कहीं बिहार के रहने वाले हैं किसी एक जिला का, और उस बिहार के जिले के कोर्ट में ना जाकर के, उस जिले के कोर्ट में ना जाकर के किसी दूसरे जिले के कोर्ट में गए और उस कोर्ट में आप जाकर के ना वहाँ से आप अपना सुनवाई करा लिए, ठीक है, बट वहाँ पर क्या है ना अगला पर्सन बोल देगा, मतलब हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट उस कोर्ट को एक रीट इशू करेगा ना, जिसमें वो बोला जाएगा कि हम तुम्हें क्या करते हैं, ये इसमें बोला जाएगा कि तुम जो हो अपने लिमिट को पार करके सुनाए हो फैसला, ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा, उसको जो है ना उसको चेंज मतलब उसका जो है ना वो वैलिड नहीं रहेगा उसका, ठीक है, वैलिड नहीं रहेगा उसको, दूसरे कोर्ट में फिर से वहाँ पर हाई कोर्ट में करना होता है, ओके। इसके बाद जो है अधिकार परीक्षा क्या है उसको देख लीजिए, ये दोनों कोर्ट पे लागू होता है ये याद रखिएगा, ये दोनों परमादेश और उत्प्रेषण, अच्छा इसके बाद जो अधिकार परीक्षा क्या है, ये दो मतलब इम्पॉर्टेंट है ना, अधिकार परीक्षा क्या है, ये जो है ये अधिकार परीक्षा में होता ये है फ्रेंड कि जैसे आप कहीं पे चलान काट, कहीं पे आपका चलान कट गया, लेकिन जो चलान काटने वाला है ना वो कोई दूसरा मतलब वो उसका अधिकार ही नहीं था चलान काटने का, बट वो चलान काट दिया है, फॉर एग्जांपल चलान वलान काटने का जो है ना स्टार वाले लोग काटते हैं, जैसे कि एएसआई और ये चीज़ें है ना स्टार वाले, बट कोई ऐसी कांस्टेबल आकर के आपका चलान काट दिया, तब आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप फाइनली बोल सकते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर, है ना, इट इज़ नॉट योर राइट, बिकॉज अब जो है जब आप केस करेंगे तब वहाँ पर जो होगा ना कोर्ट इसको इशू करेगा रीट, आखिर किस अधिकार से आपने चलान काटा, जब आपका अधिकार नहीं था चलान काटने का तो आपने क्यों काटा,
क्योंकि चालान काटने वाले जो है ना स्टार वाले लोग होते हैं, जो स्टार लगा करके कंधे पे घूमते हैं, ठीक है, वो लोग चालान काटते हैं, ओके। लेकिन कांस्टेबल नहीं काट सकता, कांस्टेबल उनका हेल्प कर सकता है, आपको रोकने में पकड़ने में हेल्प कर सकता है। फाइनली चालान काटेगा इन में से कोई, ठीक है, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार वाले, ओके, ये लोग चालान काटेंगे। तो ये है किस अधिकार पे आपने ये काम किया, उसका मतलब उसका डिटेल बताना होता है उनको, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे पांच तरह के रीट और इनके बारे में। इसके बाद जो है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाले हैं यूके वाला तो कंप्लीट हो गया, अब आयरिश, आयरलैंड से जो लाया गया है ना उसको देखिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन लाया गया है। फ्रेंड, नाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट्स फ्रॉम आयरलैंड, है ना, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर को राज्यसभा में, वो भी आयरलैंड से ही लाया गया है। एंड फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट इज़ फ्रॉम द कैनेडा, है ना, इट इज़ फ्रॉम द कैनेडाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड से दो है यहाँ पर, कौन कौन है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे अभी। एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट इज दीज टू थिंग्स फ्रॉम द आयरलैंड। नाउ फ्रेंड, हाँ जी, नेक्स्ट है यहाँ पर जो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा से लाया गया है, ओके। तो जो फेडरेशन एंड सेंटर जो है ना, ये फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, फेडरलिज्म में हमने आपको बताया था वहाँ पर यूनिटरी सेटअप, और ये वीडियो इस पर है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, फेडरलिज्म में आप वहाँ पर बताया गया था, अच्छे से उसको देख लीजिएगा एक बार। अब फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या होता है उसको समझिए, हमारा कंट्री जो है ना, कंट्री इट इज़ व्हाट, इट इज़ फॉर विच वन, फेडरल कंट्री है, कैसा कंट्री है, फेडरल कंट्री है। और फेडरल कंट्री में होता क्या है कि स्टेट और सेंटर जो है ना, दोनों बॉडी अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने चीज़ों को रूल करते हैं, ठीक है। स्टेट जो है अपना स्टेट को रूल करेगा, स्टेट का CM और PM जो है पूरे कंट्री को रूल करेगा, PM, ठीक है। मीन्स यहाँ पर स्टेट के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है, ये फेडरेशन है, ठीक है। बट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से जो लाया गया है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब ये तो फेडरेशन है ही है, लेकिन इसमें पावरफुल कौन है, विच वन इज़ मोर पावरफुल देन सेंटर, वन इज़ मोर पावरफुल, ठीक है, सेंटर इज़ मोर पावरफुल, ओके फ्रेंड। नाउ यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इज़ प्लेसिंग रेजिड्यूरी पावर दैट इज विद द सेंटर। मीन्स यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है ना, प्लेसिंग ऑल रेजिड्यूअर पावर विद द सेंटर। मीन्स जो भी रेजिड्यूरी लिस्ट होगा, जो भी रेजिड्यूअर पावर होगा, वो कहाँ से, सेंटर के ही हाथ में होगा। ये कहाँ से लाया गया, ये भी कनाडा के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं जस्ट आई वॉन्ट टू से समथिंग, देखो द लिस्ट, वट इज रेजिड्यूरी पावर अबाउट दिस, ओके। तो फर्स्ट थिंग, देयर आर थ्री टाइप ऑफ लिस्ट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन, आई थिंक यू नो अबाउट थ्री टाइप ऑफ लिस्ट, विच वन फ्रेंड, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, है ना, सेंटर के लिए एक है, स्टेट के लिए एक है, और एक है कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, कनकरेंट लिस्ट है ये। तो सेंटर के लिए जो है, स्टेट के लिए है, जो कनकरेंट लिस्ट है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर वाले के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, ये वर्क होगा तो सेंटर का पावर है, और स्टेट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर वगैरह समथिंग डिफरेंट है ना, देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। और कंकरेंट के लिए जिसमें दोनों को ही अपना अपना रूल बना सकते हैं, दोनों को रूल बना सकते हैं कंकरेंट वाले में, लेकिन कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो सेंटर वाला ही ज़्यादा वैल्यू होगा कंकरेंट में भी। बट फ्रेंड एक और भी लिस्ट है जिसे हम लोग रेजिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं, है ना। सो व्हाट अबाउट इट, रेजिड्यूरी लिस्ट, ये तो समझ गए, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट, ठीक है, लिस्ट। अब चौथा जो लिस्ट है ना, रेजिड्यूरी पावर, ये रेजिड्यूरी लिस्ट वैसा लिस्ट है ना, रेजिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के ही हाथ में है, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ लिस्ट इन विच ना फ्रेंड, कोई ऐसा लिस्ट जो इन तीनों में मेंशन ही नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा डिजास्टर जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे सपोज करिए कि कुछ भी हुआ देश में ऐसा, जो ना तो सेंटर वाला लिस्ट में है, ना तो स्टेट वाला लिस्ट में है, और ना ही कंकरेंट वाला लिस्ट में है, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना रेजिड्यूरी लिस्ट में आ जाता है। और इस रेजिड्यूरी लिस्ट को जो है ना हैंडल करने का क्षमता जो है वो भी सेंटर के ही पास है। ये है हमारा इंडिया का फेडरेशन, जो कि अच्छा भी है, ठीक है। जहाँ भाई स्टेट नहीं हैंडल कर पा रहा है, वहाँ सेंटर करेगा, सिंपल। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर जो है
Now, the concurrent list is taken from the Constitution of Australia, and the provision regarding the trade, commerce and intercourse, these are from also from Australia, and constitutional amendment, it is from South Africa. ये ध्यान रखिएगा, ये question पूछा जा चुका, ठीक है, एसएससी में. तो ये जो constitutional amendment है, कहाँ से लिया गया है? तो South Africa constitution से लिया गया है, and the emergency and its effect in on fundamental right, it is from the Germany का constitution से लिया गया है, friend. And Germany के constitution को क्या बोलते हैं? वीमर बोलते हैं, ठीक है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. तो होप आप समझ गए होंगे कि जो सोर्सेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ कहाँ से लिया गया है. ओके, ठीक है फ्रेंड, तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड.